हरियाणा चुनाव में कांग्रेस और भाजपा ने अपनी ताल ठोंकी दी है। कल से अरविंद केजरीवाल भी चुनाव प्रचार में उतर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की क्या तैयारी है, हरियाणा से उसे क्या उम्मीदें हैं, यह जानने के लिए हम बात करते हैं आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ जी से। प्रियंका जी, हरियाणा में आम आदमी पार्टी को क्या उम्मीद है? देखिए, आम आदमी पार्टी लोगों के लिए एक अल्टरनेट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस देती है। आम आदमी पार्टी एक लौती पार्टी है देश की, जिसने लोगों की मूलभूत सुविधाओं के ऊपर, मूलभूत प्रॉब्लम्स के ऊपर उनका समाधान निकालने का काम किया है। चाहे बिजली, चाहे पानी, चाहे इलाज, चाहे स्कूल, चाहे बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा या फिर महिलाओं को फ्री बस यात्रा, ऐसे काम किए हैं जिससे सिटीजन्स की लाइफस्टाइल अपलिफ्ट हो सकती है, उनकी मूलभूत जरूरतों पे काम किया है। तो आज देश के मुद्दे यही हैं। आम आदमी पार्टी एक सरकार है जो लोगों की मुद्दों पर, अहम मुद्दों पर काम करती है, और यही हम हरियाणा में भी करेंगे। कम से कम दिल्ली में तो हम लोग ये सरकार देख रहे हैं कि आपने जब से यहाँ पर सत्ता संभाली है, भाजपा हो या कांग्रेस, उन्होंने आपके बेस में कहीं पर डेंट लगाने में सफलता नहीं पाई है। पंजाब में आपकी सरकार अभी नई है, उसका अनुभव तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि हरियाणा की जनता अपने सामने जो स्थापित भाजपा और कांग्रेस जैसे दल हैं, उनको छोड़कर के आम आदमी पार्टी को मौका क्यों देगी, उसका क्या कारण है? देखिए, हमने पंजाब में फॉर एग्जांपल अभी हाल ही में 40,000 नौकरियां दी, जबकि अभी आपने खुद ही कहा कि अभी उसका आकलन भी नहीं कर सकते, इतना कम समय हुआ है। दिल्ली में हमने एम्प्लॉयमेंट दिया, हरियाणा में खट्टर साहब ने हमारे बच्चों को इसराइल भेजा, वॉर युद्ध, जहां युद्ध चल रहा है वहां लड़ने के लिए हरियाणा की सरकार अपने बच्चों को भेजती है। वहां पर सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है आज देश में। ये इसीलिए आम आदमी पार्टी को लोग पसंद करते हैं, क्योंकि हम ऐसे मुद्दों पे काम करते हैं। हरियाणा में महंगाई आज देश में सबसे ज्यादा है, और दिल्ली में राजधानी होने के बावजूद बेरोजगारी भी, और दिल्ली में राजधानी होने के बावजूद महंगाई सबसे कम है, इसलिए लोग हमें पसंद करते हैं। लोग हमें पसंद करते हैं क्योंकि हम उनको फ्री बिजली देते हैं, 24 घंटा बिजली देते हैं। हरियाणा में गुरुग्राम जैसी जगह पे भी 8-8 घंटे के पावर कट लगते हैं, डीजल से वहाँ की बिजली आती है, प्रदूषण को और वो प्रदूषण पे और वो नियंत्रण पाने में अनसक्सेसफुल है। तो हमने जो दिल्ली में मॉडल करके दिखाया है अरविंद केजरीवाल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस में, वो मॉडल पंजाब में भी बहुत एक्सेप्ट हुआ है, और हरियाणा के लोग भी अब ये बदलाव चाहते हैं। केजरीवाल जी के ऊपर कुछ आरोप भी इस बीच में लगे हैं, शराब घोटाले के रूप में भाजपा ने बहुत सारे आरोप लगाए हैं, ये मामला अदालत में भी चल रहा है। आपको क्या लगता है, इन घोटालों का या ये जो आरोप लगे हुए हैं, इसका किसी तरह से आपकी पार्टी के भविष्य पर असर पड़ने जा रहा है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि देखिए, जब बेल दी ईडी कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी को, तो उन्होंने कायदा ऑर्डर में लिखा कि अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ एक कुछ प्रमाण नहीं मिला, और उन्होंने साथ में ईडी को भी उस ऑर्डर में लताड़ा कि ऐसा लगता है कि ईडी द्वेष की भावना से काम कर रही है। तब उनको पीएमएलए वाले केस में बेल मिली। अरविंद केजरीवाल जी को जब सुप्रीम कोर्ट से बेल मिली, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई तोते की तरह काम कर रही है और द्वेष की भावना से काम कर रही है। तो इसके बावजूद भी अरविंद केजरीवाल ने कहा कि चाहे मुझे कोर्ट ने ऐसी टिप्पणियों के बाद बेल दी हो, मैं फिर भी ये पद त्यागता हूँ, अपनी जनता के बीच में जाऊंगा और उन्हीं से ईमानदारी का सर्टिफिकेट लेके आऊंगा। ऐसे कितने नेता हैं बेल मिलने के बाद, जहां ऐसी टिप्पणियां हुई हो, अपना पद त्याग दे, ये बहुत बड़ी बात है, एक डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस। तो अरविंद केजरीवाल जी बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं, और उनकी ये ईमानदारी सब लोग समझते हैं। और आपको लगता है कि उनकी इस ईमानदारी पर जनता की एक बार फिर से मुहर लगने जा रही है? 100%, इसमें कोई संदेह नहीं है मुझे। अंतिम सवाल, हरियाणा से ही अरविंद केजरीवाल जी संबंध रखते हैं, पहली बार भी वहां पर बहुत सफल नहीं हो पाए थे, लोकसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी को बहुत सफलता नहीं मिली थी, अब विधानसभा चुनाव में सफलता मिलेगी, इसके पीछे क्या कारण आप लोग देख रहे हैं? मैं आपको इसके दो उदाहरण देती हूँ। हमने लोकसभा में एक ही सीट कंटेस्ट की हरियाणा में, जहाँ कुरुक्षेत्र की, जहाँ पर सुशील गुप्ता जी ने कंटेस्ट किया, जो मात्र 26,000 वोट से हारे, और 5,18,000
416 ये उनका वोट था, ये बहुत ही बड़ा परसेंटेज है एक सीट पे। और दूसरा उदाहरण में आपको अगर विधानसभा टू विधानसभा कंपेयर करना है तो गोवा में जब हमने पहले चुनाव लड़ा था 5 साल पहले तो वहां हमें सिर्फ 24,000 वोट मिले थे, पर 5 साल बाद 42 लाख वोट मिले, 35 सीटों पर हम सेकंड आए, 5 सीटें हमने जीती और हमारा संगठन बहुत मजबूती से इसी तरह हरियाणा में भी खड़ा है। ये है आम आदमी पार्टी का विश्वास, ये है उनकी ताकत। उनको लगता है कि हरियाणा की राजनीति में पारंपरिक दलों कांग्रेस और भाजपा को पीछे छोड़ते हुए अपना स्थान बनाने में मजबूती से सफल रहेंगे। अमित शर्मा, अमर उजाला, दिल्ली। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।